तो आखिरकार सरफराज खान का टेस्ट डेब्यू हो ही गया है और भारत और इंग्लैंड के साथ जो दूसरा टेस्ट मैच खेला जाएगा उस टीम में स्क्वाड का हिस्सा होंगे। उस स्क्वाड में अगर बात करें तो भारतीय टीम को बड़े बड़े झटके लगे हैं, जिसमें रविंद्र जडेजा टोटल हुए हैं वो बाहर चले गए हैं, केएल राहुल बाहर है और विराट कोहली पहले से ही अपने कुछ घर के कामकाज की वजह से बाहर चल रहे हैं, तो दो टेस्ट से उन्होंने रेस्ट लिया था। तो भारत के लिए अब कप्तान रोहित शर्मा के लिए चुनौती ये है कि इस नई टीम के साथ किस तरीके से अब दूसरे टेस्ट मैच में उतरेंगे। सौरभ कुमार उनका चयन हुआ है, सरफराज का चयन हुआ है, वाशिंगटन सुंदर पुनः वापस आए हैं एक लंबे अंतराल के बाद टेस्ट स्क्वाड में। तो भारतीय टीम में शायद मुझे लगता है कि चार पेसर्स स्पिनर्स के साथ माफ कीजिए जाने वाली है और सिर्फ एक पेसर्स रहेगा, वो रहेंगे जसप्रीत बुमराह। सिराज को रेस्ट दे सकते हैं, कुलदीप कुमार आएंगे, वाशिंगटन सुंदर आएंगे, सौरभ कुमार भी आ सकते हैं या फिर उसमें से कोई एक सौरभ या कुलदीप में से कोई एक होगा। वाशिंगटन सुंदर जरूर खेलेंगे क्योंकि वो बैटिंग भी कर सकते हैं, तो कमेंट करके आप भी बताइएगा। लेकिन अगर बैटिंग की जहां तक बात करें तो फिर इसमें शुभमन गिल की छुट्टी होनी लाजमी है क्योंकि लगातार फ्लॉप चल रहे हैं और श्रेयस अय्यर का भी इतना बेहतर टेस्ट नहीं रहा है। पिछले 8 या 10 टेस्ट मैच देखे तो वो भी बल्ला नहीं चला है, लेकिन शुभमन गिल का बड़ा मुश्किल लग रहा है। रजत पाटीदार का भी डेब्यू हो सकता है, वो खेलते हुए नजर आएंगे, लेकिन कप्तान रोहित शर्मा आखिर में फैसला लेंगे क्या करेंगे। विकेट टर्निंग होगा विशाखापट्टनम का, इंग्लैंड के पास भी 3-3, 4-4 पेसर्स स्पिनर्स के साथ वो भी आ रहे हैं, तो भारत अब स्पिन गेंदबाजी के साथ अटैक करेगा। सौरभ कुमार बैटिंग भी करना अच्छे से जानते हैं, तो उनका थोड़ा सा जरूर बनता है कि शायद डेब्यू करें। सरफराज खान नंबर 4 पर बैटिंग करेंगे या फिर 5 नंबर पर बैटिंग करेंगे, लेकिन डेब्यू उनका जरूर होने वाला, देख रहे हैं।